साथ खुशबू सिंह और आप देख रहे हैं युग चरण। तो चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रविवार को अपने 6 घंटे के जोधपुर दौरे में शहर व जिले को 1100 करोड़ रुपए की सौगात देंगे। 1000 करोड़ से अधिक के नए कामों के शिलान्यास होंगे, जबकि 91 करोड़ रुपए के कामों के लोकार्पण करेंगे। गहलोत राव जोधा मार्ग का मौके पर जाकर लोकार्पण करेंगे। बाकी सभी शिलान्यास और लोकार्पण डिगाड़ी स्कूल में आयोजित समारोह में वर्चुअल करेंगे। डिगाड़ी में एक आम सभा को भी संबोधित करेंगे। 1000 करोड़ के शिलान्यास में ज्यादातर सड़कें हैं। इसके अलावा शहर में जलभराव की परेशानी से राहत देने के लिए 2 बड़े नालों के काम भी शामिल हैं। 427 करोड़ की लागत से मथानिया तिवरी देचू व जोधपुर तिवरी स्टेट हाईवे बनेगा। जयपुर में माली समाज के महापंचायत में यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के सामने सीएम अशोक गहलोत जिंदाबाद के नारे लगे। गहलोत समर्थकों के लगातार नारेबाजी के कारण मौर्य को अपना भाषण बीच में ही रोकना पड़ा। वहीं नारेबाजी के कारण लोकसभा स्पीकर ओम बिरला बीच में ही मंच छोड़कर चले गए। जयपुर शहर के विद्याधर नगर स्टेडियम में रविवार को महापंचायत में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और डिप्टी के सीएम रिपीट और यूपी के डिप्टी सीएम मौर्य मुख्य अतिथि थे। जैसे ही मौर्य भाषण देने के लिए उठे, गहलोत समर्थकों ने नारेबाजी शुरू कर दी। थोड़ी देर तक मौर्य भाषण देते रहे, लेकिन नारेबाजी नहीं रुकी तो वो ही रुक गए। हालांकि गहलोत समर्थक लगातार नारेबाजी करते रहे। थोड़ी देर बाद मौर्य ने भाषण खत्म कर दिया। महापंचायत में पहुंचे सीएम के बेटे वैभव गहलोत बोले, समाज के लोगों रिपीट सीएम के बेटे वैभव गहलोत बोले समाज के लोगों का जिस तरीके से समर्थन मिल रहा है, निश्चित तौर पर फिर से कांग्रेस की सरकार राजस्थान में रिपीट करने जा रही है। चीन के डिफेंस मिनिस्टर ली शांगू ने अमेरिका में चल रही तनातनी के बीच सिंगापुर में चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने देशों के बीच बातचीत की अहमियत पर जोर देने की बात कही है। शांगफू ने कहा कि अगर चीन और अमेरिका में लड़ाई हुई तो पूरी दुनिया में खतरनाक तबाही मचेगी। शांग्री ला डायलॉग में उन्होंने कहा कि चीन और अमेरिका के बीच का फर्क इतना बड़ा नहीं होना चाहिए कि वो किसी मुद्दे पर सहमत नहीं हो पाए। रविवार को शांगफू का ये कमेंट उस समय आया जब अमेरिकी सेना ने चीनी सेना पर उसके डिस्ट्रॉयर के पास असुरक्षित पैंतरेबाजी करने के आरोप लगाए हैं। फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए 31 जुलाई 2023 तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है। कई लोगों का मानना है अगर उनकी सालाना इनकम 2.5 लाख से कम है और वो टैक्स के दायरे में नहीं आते हैं तो उन्हें ITR भरने की जरूरत नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप इनकम टैक्स के दायरे में नहीं भी आते हैं तब भी आपको रिटर्न फाइल करना चाहिए, क्योंकि अगर आप ITR फाइल करते हैं तो इससे आपको कई फायदे होते हैं। ITR फाइल करने से लोन मिलने में आसानी होती है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ब्राह्मण महाकुंभ में ऐलान करते हुए कहा कि भगवान परशुराम जयंती के दिन मध्य प्रदेश में सरकारी छुट्टी रहेगी। संस्कृत के छात्रावासी 1 से 5 तक के विद्यार्थियों को 8,000 रुपए, 6 से 12 तक के विद्यार्थियों को 10,000 रुपए प्रदान किए जाएंगे। जिन मंदिरों के पास कृषि भूमि नहीं है वहां के पुजारियों को 5,000 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे। खबरों में फिलहाल इतना ही। आगे खबरों के लिए यूं ही बने रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।